नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 26 अक्टूबर 2022 को कतर के एक कोर्ट के द्वारा 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर को डेथ सेंटेंस का सजा सुनाया जाता है। उसके ठीक 2 महीने बाद 28 दिसंबर 2022 को डेथ सेंटेंस का सजा को माफ़ करके उनको कह लीजिए कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया जाता है। उसके बाद हमारे देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं वहाँ के ऑफिसर से, कह लीजिए कि कतर के डिप्लोमेट से दोस्तों। और आज एक नया न्यूज निकल कर सामने आ रहा है कि वो जिनको यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस माफ़ करके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए डाला गया था, अब उनको वहाँ से रिलीज कर दिया गया है और 8 लोगों में से 7 लोग सुरक्षित वापस घर लौट चुके हैं, इंडिया लौट चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, 7 जेल्ड नेवी वेटरन, ये फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर थे यहां पे दोस्तों, जिनको कतार में कह लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया था। रिटर्न फ्रॉम कतार इन बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमेटिक विन है। वो कैसे है हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो उनको डेथ सेंटेंस माफ़ किया जाता है। यहाँ पे जो एस जयशंकर है वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के फैमिली से बातचीत करते हैं दोस्तों, और अब जाकर आया है कि उनको रिलीज कर दिया गया है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 8 कह लीजिए कि यहाँ पे इंडियन नेवी वेटरन थे या फिर फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर थे, आखिरकार वो कतार में कह लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद कर क्या रहे थे, किस फर्म के लिए काम कर रहे थे आखिरकार, और कतार के द्वारा क्यों उनको अरेस्ट कर लिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कतार पे, है ना। कतार कहाँ है दोस्तों, तो ये एक मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा कंट्री है। आप इसके चारों ओर कंट्री देख सकते हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ईरान है, और ये एक छोटा सा देश है कतर। छोटा भले ही यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से है, लेकिन कह लीजिए कि इसके पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे संग्रह है, है ना। और ये इंडिया को हर साल लगभग $100 बिलियन का कह लीजिए कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, या यूँ कह लीजिए कि इंडिया हर साल कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस $100 बिलियन वर्थ का यहाँ पे कह लीजिए कि इंपोर्ट करता है अपने देश में यहाँ पे, है ना। आपने ये जान लिया यहाँ पे, चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार वो जो 8 इंडियन नेवी वेटरन थे आखिरकार वे कौन कौन थे, है ना, और क्यों इनको अरेस्ट किया गया है। तो ये एस्पिनेज के केस में, यहाँ पे स्पाइंग करने के केस में ऐसा उनको शक था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि इनको अरेस्ट किया था। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि 28 दिसंबर को उनका जो अक्टूबर वाला कह लीजिए कि उन्होंने जो सजा सुनाया था डेथ सेंटेंस का, उसको पलट करके यहाँ पे दिसंबर के महीने में वो कह लीजिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, है ना, सजा सुनाते हैं। अब ये किन के लिए काम कर रहे थे, तो कतर की राजधानी दोहा में एक अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम का एक कह लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, जिनका काम क्या है, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ में अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कतर की आर्म्ड फोर्सेस है उनके लिए, प्लस साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके लिए। तो यही प्राइवेट कंपनी जिनका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, इसी के लिए कह लीजिए कि वो जो एक्स नेवी ऑफिसर थे, है ना, जो रिटायर हो गए थे, इस फर्म के लिए काम कर रहे थे दोस्तों, है ना, जिनका काम था यहाँ पे कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करना है वो था यहाँ पे, है ना। अब वो 8 लोगों कौन कौन थे दोस्तों यहाँ पे, तो कैप्टन नवतेज गिल पहला नाम है, दूसरा नाम है सौरव वशिष्ठ, कमांडर थे प्रुनेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एस के गुप्ता, बी के वर्मा और सुगंकर पाकला एंड सेलर राजेश वर डिटेन इन अगस्त 2022 अन अनडिक्लेयर चार्ज, है ना। इनके ऊपर कह लीजिए कि किसी तरीके का कोई ठोस चार्ज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको डिटेन कर लिया जाता है। अगस्त 2022 में इनको डिटेन किया जाता है। टाइमिंग को ध्यान रखना है कि अगस्त 2022 में कह लीजिए कि इनको डिटेन किया जाता है, यानी कि कह लीजिए कि पकड़ा जाता है, और उसके बाद फिर कह लीजिए कि यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, है ना, यानी कि 2 महीने बाद, टाइमिंग कितना है, 2 महीने के बाद इनको कह लीजिए कि डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है यहाँ पे। एक तो एक्स नेवी थे और डेथ सेंटेंस ऊपर से यहाँ पे, है ना, वो भी एक साथ 8 लोगों को, ये इंडिया को पूरी तरह से शॉक कर देता है दोस्तों। और इस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर है उनका भी रिएक्शन आया था यहाँ पे, है ना। फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिप्लोमेटिकली यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश की गई, उसका ही नतीजा था कि अक्टूबर के बाद दिसंबर में, यानी कि फिर 2 महीने बाद यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस अक्टूबर के महीने में सुनाया गया था उसको कह लीजिए कि कम करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया जाता है। और अब 18 महीने के बाद यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है यहाँ पे, है ना, और इवन कह लीजिए कि ये हकीकत है कि वो वापस घर भी आ चुके हैं 8 में से 7 यहाँ पे, है ना।
Among the eight veteran, Captain Navtej Gill was awarded the President Gold Medal. आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो नेवी थे वो कोई आम नेवी नहीं थे, प्लस साथ में एक जो यहाँ पे कैप्टन है ना नवतेज गिल, उनको कह लीजिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा गोल्ड मेडल से भी यहाँ पे अवार्ड किया गया था. फॉर किसके लिए? एक्सेलेंस व्हेन ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द नेवल अकेडमी एंड लेटर सर्वड एज एन इंस्ट्रक्टर एंड द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एट वेलिंगटन इन तमिलनाडु, है ना. तो कह लीजिए कि एक ऐसे नेवी को जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया हो और इनको कह लीजिए कि डेथ सेंटेंस वो भी किसी दूसरे देश में स्पाइंग के केस में सुनाया जाए, यहाँ पे ये कैसे नोटिस नहीं किया जा सकता था, है ना. फिर इनके फैमिली से रीच आउट किया गया यहाँ पे, तो इनकी फैमिली में ने फिर यहाँ पे कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ काफ़ी सालों से यहाँ पे है ना ऐसा कह लीजिए काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. अब देख सकते हैं पीपल फैमिलियर विद द मैटर हैड अर्लियर सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनानिमिटी दैट प्रणेंदु तिवारी वॉज गिवन अ 25-year प्रिजर्मेंट टर्म वाइल राजेश वॉज गिवन अ 3-year सेंटेंस, है ना. कह लीजिए कि इनके जो फैमिलियर मैटर थे यहाँ पे उनसे पता चला था कि जो ये प्रणेंदु तिवारी है उनको 25 साल का सजा और साथ में जो राजेश थे जो कि एक सेलर थे उनको 3 साल का सजा सुनाया गया है कतर के कोर्ट के द्वारा. फोर ऑफ द फॉर्मर नेवी ऑफिसर वर गिवन 15-year प्रिजनमेंट टर्म्स एंड टू अदर्स 10-year प्रिजन टर्म, है ना. तो कह लीजिए कि ये जानकारी हमें उनकी फैमिली से पता चला था यहाँ पे. सेवरल रिपोर्ट हैड सजेस्टेड द न्यू The men were accused of espionage, though both Qatari and Indian authority have not provided detail of the charge against them. आप देख सकते हैं कि ना तो कतर के द्वारा ना तो इंडिया के द्वारा किसी भी यहाँ पे कंट्री की अथॉरिटी के द्वारा किसी भी तरीके का कोई चार्जेस को लेकर डिक्लेरेशन नहीं आया था. लेकिन कह लीजिए कि उनको किस चीज़ के लिए यहाँ पे दोषी ठहराया गया था 8 लोगों को, तो एस्पिनेज के केस में यहाँ पे, है ना, यानी कि स्पाइंग जासूसी के केस में यहाँ पे कह लीजिए कि इनको डिटेन किया गया था और फिर कह लीजिए कि है ना डेथ सेंटेंस को माफ करके फिर अलग अलग है ना टाइम पीरियड में यहाँ पे कह लीजिए कि सजा सुनाया गया था 3 साल से लेकर मैक्सिमम 15 साल के लिए अलग अलग लोगों को यहाँ पे. अब इंडिया का क्या प्रयास रहा है, इसलिए है ना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारा गया इंडिया की ओर से. इंडिया हैड अर्लियर एक्सप्रेस डीप शॉक, है ना, जब यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आता है कि डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा डेथ सेंटेंस यहाँ पे, उसके बाद कह लीजिए कि इंडिया की ओर से रिएक्शन था कि एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए डीप शॉक है यहाँ पे, है ना. Qatar court of first instance and pleased to look at all legal option to help eight men, है उस वक्त देख लीजिए कि क्या बोला गया था इंडिया की ओर से यहाँ पे, है ना. Qatar court of first instance and pleased to took all legal option to help the eight men, है ना. इंडिया की ओर से बोला कि जितने भी लीगल ऑप्शन है ना हैं अवेलेबल, हम सबको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और किसी भी कीमत पर इन लोगों को रिहा करने की कोशिश करेंगे. और ऐसा ही होता है दोस्तों, इंक्लूडिंग डेकोरेटेड ऑफिसर हु कमांडेड फ्रंट लाइन वॉरशिप इन द इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे हम है ना हमारे लोगों की रक्षा के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा काम किया और उनको डेथ सेंटेंस हो, ये बिल्कुल यहाँ पे कह लीजिए कि गुंजाइश नहीं था यहाँ पे, है ना. बाकी कैसा टाइम पीरियड रहा है अपने जान लिया यहाँ पे कि 28 दिसंबर को कह लीजिए कि इनको है ना जेल टर्म्स सुनाया जाता है रेदर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कह लीजिए कि डेथ सेंटेंस के अलावा. एमिड डेस्परेट प्लीज बाय द एनेक्सियस कीन ऑफ द नेवी वेटरन टू सिक्योर देयर रिलीज एंड सेफ पैसेज बैक टू देयर होमलैंड, द MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैड एश्योर्ड दैट इट वुड मोबिलाइज एंड ऑल डिप्लोमेटिक चैनल एंड अरेंज लीगल असिस्टेंस टू ब्रिंग देम बैक, है ना. कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वो नेवी वेटरन थे वो भी अपने ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से उनको रिलीज किया जाए, और कह लीजिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल थे हर एक को मोबिलाइज कर दिया, हर एक को एक्सरसाइज करने में लगा दिया और कह लीजिए कि उन्होंने अरेंज किया हर एक तरीके के लीगल असिस्टेंस, है ना, उनको प्रोवाइड करने का ताकि वो वापस आ सके. द कतार कोर्ट वर्डिक्ट इज ऑल्सो सीन एज ए बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया एज इट केम वीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग विथ एमिर ऑफ कतार शेख तमीम बिन हमद अल तानी, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो न्यूज निकल कर आया है इनको रिलीज करने का वो तब आया है जब कह लीजिए कि कुछ सप्ताह पहले ही प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था. किन के साथ दोस्तों यहाँ पे? तो जो यहाँ पे कतर के एमिर ऑफ कतार यहाँ पे है यानी कि वहाँ के आप किंग समझ सकते हो, है ना, शेख तमीम, उनसे इनका मुलाकात हुआ था, है ना. तभी यहाँ पे कह लीजिए कुछ बातचीत हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा हो पाया. कब हुआ था मीटिंग यहाँ पे? तो साइड लाइन ऑफ द COP28 समिट इन जो कि यहाँ पे दुबई में हुआ था, है ना. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होता है ना, ये हर एक साल होता है यहाँ पे दोस्तों, और ये 28वां था यानी कि 28 साल से लगातार यहाँ पे हो रहा है, जिसमें इस तरीके के क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेकर, है ना, एनर्जी क्राइसिस को लेकर, ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर वगैरह चल रहा है, इन सब पर यहाँ पे अलग अलग देशों के जो डिप्लोमैट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो कह लीजिए कि एक बातचीत करते हैं, और उन्हीं पर यहाँ पे कह लीजिए कि उसी वक्त इनके किंग से भी यहाँ पे मुलाकात होता है, नरेंद्र मोदी का बातचीत होता है. तो नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर भी यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे
सवाल उठाते हैं तो फिर ये आगे चलकर यहाँ पे बात बना। आफ्टर द मीटिंग ऑन दिसंबर 1 मोदी सेड दे हैड डिस्कस द वेल बींग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन कतार, है ना, कि जो यहाँ पे कह लीजिए कि इंडियन डायस्पोरा रह रहे हैं कतर में, है ना, चाहे बिजनेस पर्पज के लिए चाहे अलग लोग, तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे कतार, ऐसा यहाँ पे कह लीजिए कि बातचीत हुआ था। और उसमें एक मुद्दा इन लोगों के लिए भी था जो कि यहाँ पे कैसे इनको लाया जाए। यहाँ पे दोस्तों जनवरी की अगर जो हम बात करें, द कोर्ट ऑफ अपील कोर्ट, है ना, गेव 60 days टू द 8 former Indian Navy personnel to appeal against varying prison terms given to them following commutation of the death sentence, है ना। कह लीजिए कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है यहाँ पे कि जनवरी के महीने में जो कोर्ट ऑफ अपील है उन्होंने 60 दिनों का कह लीजिए कि मोहलत दिया इन इंडियन नेवी पर्सनल को कि वो अपील कर सकते हैं जो कि इनको अलग अलग प्रिजन टर्म सुनाया गया है उसके खिलाफ यहाँ पे, है ना। द कोर्ट इनिशियली डिलीवर्ड द जजमेंट एज एन ओरल ऑर्डर, है ना, ये जो ऑर्डर सुनाया गया था डेथ सेंटेंस का, वो जो जजमेंट दिया गया था वो एक ओरल ऑर्डर था, यानी कि केवल, है ना, मौखिक रूप से, लिखित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल टोल्ड रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग दैट द लीगल टीम एडिंग एंड द हेल्प मैन हैड रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द वर्डिक्ट बट इट वॉज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, तो इसको रिलीज नहीं किया जा सका यहाँ पे, है ना, चूंकि कॉन्फिडेंशियल था दोस्तों यहाँ पे, है ना। इंडियन गवर्नमेंट वेलकम कतर कोर्ट डिसीजन, है ना, 12 फरवरी को यहाँ पे जो कह लीजिए कि डिसीजन लिया गया यहाँ पे, है ना, उसको इंडियन सरकार यहाँ पे वेलकम करती है क्योंकि रिहा कर दिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट वेलकमिंग द डिसीजन टू सेट द वेटरन ऑफिसर फ्री, है ना, उनको कह लीजिए कि यहाँ पे आजाद कर दिया गया या फिर कह लीजिए कि रिहा कर दिया गया, है ना। क्या कहते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम द रिलीज ऑफ 8 इंडियन नेशनल वर्किंग फॉर द दहरा ग्लोबल कंपनी, है ना, कि भारत सरकार वेलकम करती है उन 8 इंडियन नेशनल का जो दहरा ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे थे और उनको कतर में डिटेन कर लिया जाता है। 7 out of the 8 ऑफ देम हैव रिटर्न टू इंडिया, 8 लोगों में से जिनको कह लीजिए कि यहाँ पे कैद किया गया था, 7 लोग सुरक्षित घर वापस, इंडिया वापस, अपने होमलैंड आ चुके हैं। वी अप्रिसिएट द डिसीजन बाई द अमीर ऑफ द स्टेट ऑफ कतार टू इनेबल द रिलीज एंड होम कमिंग ऑफ दिस नेशनल, है ना, कि इनका जो ये डिसीजन लिया गया है यहाँ पे, है ना, उनको हम अप्रिसिएट करते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल कर आया, तो कैसा लगा, क्योंकि जब ये न्यूज निकल कर आया था कि डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा तो काफी ज्यादा, है ना, मीडिया रिपोर्ट में यहाँ पे काफी ज्यादा बहस भी इस पर हो रहा था, है ना, कि कैसे एक ऐसे लोगों को जो कि कह लीजिए कि अपने देश के लिए इतना सालों तक काम किए, एक तो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, ऐसे लोगों किसी दूसरे देश में यहाँ पे उनकी ही प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम कर रही है, तो वहां की आर्मी के लिए काम कर रही है, और ऐसे लोगों को स्पाइंग के केस में यहाँ पे कह लीजिए कि डेथ सेंटेंस और इतने सालों का सजा सुनाया जाएगा, ये बिल्कुल भी यहाँ पे, है ना, ठीक नहीं था। तो फिर इंडिया का ये डिप्लोमेटिक विन जरूर कहलाएगा यहाँ पे, है ना। कैसा लगा आपको यह जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज शोरअप साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।